हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया है बंदा निकाल के ले आओ, उससे पैसे नहीं लो और लाश से पैसे नहीं लो। वो ऐसा लाइफ में मेरे साथ पहली मरतबा ऐसा वाकया हुआ था जो मैं डर गया इतना। 6-7 लड़के थे, हम आपस में बैठे गए थे तो अचानक एक बच्चा डूबना शुरू हो गया, डूबने लगा, लेकिन मिलकर हम लोगों ने उसको निकाल लिया। जो बंदा डूबता है उसका रिकॉर्ड हम आगे देते हैं, फलाना लिफगार्ड ने भी निकाला। तो एक लड़की थी वहाँ पर चल के आई, मुझे 1000 रुपया दिया, बोला 1000 रुपया आप रख लो। मैंने बोला 1000 रुपया रख लूँगा, फिर अभी मैं बंदा बचाने जा रहा हूँ, फिर कल जो है ना डुबाने जाऊँगा, रिश्वत खाएगा तो बंदा फिर जो है ना फिर रिश्वत के लिए भागेगा। मैंने बोला हमको ये पैसे नहीं चाहिए। समंदर अपने अंदर कभी गंद नहीं रखता, वो बाहर निकाल लेता है, तो वो गंद आ रहा होता है। हम लोग से लोग समझते हैं कि जो लोग बीच गोवर्स हैं वो गंद करते हैं, उतना नहीं करते। लाइफगार्ड सही है क्योंकि इंसान को अच्छा इंसान भी बन जाओगे, खिदमत कर रहे हो लोगों का, सबसे ज़्यादा खिदमत करोगे लोगों की। सही बात, मुसलमान मुसलमान भाई है, इसके लोगों की खिदमत नहीं करोगे लोग कौन। अच्छी बात, हमारा हुआ है बचाना किसी को फिर जी, कितने लोगों को? तकरीबन 10-15। 100 बार समझेंगे, 100 बार भी नहीं समझेंगे। उन लोगों की फैमिली है ना, उन लोगों से बात करें, नुकसान क्या होता है उनको, इसके नुकसान होता है कि डूब जाएंगे, मर जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि नेवर स्विम अलोन, आप इसकी बात सुनो। इस पर भी हमारा शौक ये होता है कि जब हम बीच पे जाएं या दुनिया में कहीं पे भी जाएं पिकनिक पे, हमारी जो नेचर है हम लोग, हम ऐसी जगह जाएं कोई भी ना हो, कोई भी ना हो, हम हो और हम हो, हमारी फैमिली हो ना हमारी फैमिली के करीब कोई आए, यहाँ पे रोज हम देखते हैं। ये सबसे मुश्किल काम, सबसे गलत काम है समझना। क्यों? अगर आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई हादसा हो गया तो आप किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकते। इस प्रोस्पेक्टिव से सोचें, आप किसी को आवाज़ भी नहीं लगा सकते कि यार मेरे लिए गाड़ी ले आओ, मेरा बच्चा डूब गया है। आपको हमेशा पब्लिक बीच पे जाना चाहिए जहाँ पे लोग मौजूद हैं, जो कोई आपकी हेल्प कर सके, किसी को शायद तैरना आता हो। इन लोग जनरल लोगों के लिए तो ये है कि जब आप समुंदर पे जाएं तो आप देखें वहाँ लाइफ गार्ड मौजूद है कि नहीं है। अगर लाइफ गार्ड मौजूद है तो उस बीच पे रुके, वरना आगे बढ़ जाए, आगे तलाश कर लें, पूछ लें। जब मॉनसून होता है ना तो ये जो चुंगी जहाँ से बंदर, उसे ही हम अपने लाइफ गार्ड खड़े करते हैं और उनको हम लिटरेचर देते हैं, फ्लायर जिसके ऊपर हमारे नंबर लिखे होते हैं और उसमें सेफ्टी टिप्स लिखे हुए होते हैं। आपने जीन्स पहन के पानी में नहीं जाना, ये इतनी आसान बात है जो किसी को बता दी जाए ताकि पूरी जिंदगी जाए।
आपने भारी टी शर्ट जो जो टी शर्ट पानी पीती है वो पहन के पानी में नहीं जाने, क्योंकि आपका वेट बढ़ जाएगा और आप सिंक करोगे उसे। आपको स्किन फिटिंग कपड़े पहनने चाहिए ताकि आप और कोलेस्ट्रॉल के पानी में जाते, ये लोगों को बताना पड़ता है। आपको लाइफ गार्ड की, अगर आपको एक स्पॉट पर मना करना है उसकी बात माननी चाहिए। आपको लाइफ गार्ड बनने का शौक है? बहुत शौक है, कम शौक है? बहुत शौक है। इट्स अ ड्रीम जॉब।